बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास, आज हमने चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक करना है, जिसका नाम है बेटे डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक फोर्स को उसके कंपोनेंट से ड्राइव आउट करना है हमने, ठीक है बेटे। जैसे हमने प्रीवियस किया था ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसमें हमने कंपोनेंट्स ड्राइव किए थे, ठीक है ना, फोर्स भी ड्राइव की थी मैंने हमने, तो अब यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स, ठीक है बेटे। तो बिल्कुल उसी तरह इसकी एक डायग्राम है बेटे, देखिए तो इसकी एक डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास उस डायग्राम में हमें क्या बताया जाता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है उसी तरह, और एक वाई एक्सिस है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले एक कंपोनेंट दिया जाता है एक्स, तो ये एक एक्स कंपोनेंट है उस फोर्स का, ये उसका वाई कंपोनेंट है। तो आपने इसका क्या फाइंड करना है, फोर्स जो इसकी मैग्नीट्यूड मैंने बनाई है, ये रिजल्टेंट जो इनके सम के इक्वल है, ठीक है ना। तो इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ओ ए बी, कोई नाम दे दे, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन उसी तरह है कि कंसीडर वी हैव टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। अब हम इनको यूज करके क्या करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बिल्कुल उसी तरह यूजिंग हेड टू टेल रूल, हम कहेंगे कि यूजिंग हेड टू टेल रूल, हमने यूज किया किसको, हेड टू टेल रूल को, ठीक है बच्चों, हाँ इस रूल के मुताबिक। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक ये पहला वेक्टर है, पहला कंपोनेंट है ओ बी, और दूसरा कंपोनेंट है ए बी, और इनका सम किसके इक्वल है जी, ओ ए के। फिर हमें पता है कि ये जो ओ ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ओ ए रिप्रेजेंट एफ, ओ बी रिप्रेजेंट एफ एक्स, ए बी रिप्रेजेंट एफ वाई। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास बनी कुछ इस तरह से, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ओके बच्चों, हाँ जी। आगे चलते हैं इसकी तरफ, डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले बेटे ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है। तो हमने निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, एम्स न्यूमेरिकल में भी आता है ना फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपको कंपोनेंट गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले से आप कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। वो क्या है, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वेयर। हमारे पास इस डायग्राम में हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ओ ए, हमारे पास बेस क्या है ओ बी, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और हमें पता है ओ ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जी एफ, ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स, और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई, ठीक है बेटे। तो ये स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे, तो इस तरह हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला फाइंड आउट हो गया। इधर तो स्क्वेयर उस रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन इधर क्योंकि वो होल का है और अंदर दो वैल्यूज़ हैं, डैट्स वाई यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, और इस तरह हमारे पास ये फोर्स का फार्मूला आ गया, किसका, मैग्नीट्यूड का, ओके बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह आप बात करते हैं नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड के बाद बच्चों आती है डायरेक्शन, तो बेटे हमने साइन कॉस यूज़ किया था, टेन थीटा हमारा रहता है, टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चे इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस है हमारा ओ बी, टेन थीटा हमारा इसी तरह रहा, ठीक है हाँ। तो अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी एफ वाई, ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स, टेन थीटा ऐसे ही रहा, हमने एंगल निकालना, और टेन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इस तरह हमारे पास ये फाइंड हो गया डायरेक्शन, या इसका एक और नाम है बच्चों एंगल, ठीक है बेटे, हाँ जी।
तो ये आपको न्यूमेरिकल में आया, फाइंड द डायरेक्शन के एंगल ऑफ द फोर्स, तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना बेटे? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बेटे? हाँ जी, और इसी तरह अगर आपने कोई प्रीवियस टॉपिक समझना है इस चैप्टर 4 का या 3 का या 2 का या 1 का, तो वो मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप समझ सकते हैं उसको। उसका लिंक आपको यूट्यूब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटे? हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपके टाइमली पहुँच जाएँ। ठीक है बेटे? हाँ जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।